हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से हमारे चैनल स्टडी दुनिया बाय नीतीश में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टेंस के उन रूल्स के बारे में बताऊंगा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और इन रूल्स पर बेस्ड हमारे एग्ज़ाम में मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ध्यान से देखें और इन रूल्स को आप याद कर ले या फिर लिख ले, क्योंकि ये रूल्स कॉमन एरर में मोस्टली पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर फर्स्ट की। जब वाक्य में यस्टरडे, येगो, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट वीक या इन 1985 आदि हो, तब उस वाक्य का वर्ब पास्ट इंडिफिनाइट में होता है। जैसे आई हैव गॉन देयर यस्टरडे, तो इसका आई वेंट देयर यस्टरडे होगा। सी हैज कम हियर टू डेज एगो, तो इसका सी केम हियर टू डेज एगो होगा। ही हैज डन इन लास्ट जून, तो इसका ही डिड इट लास्ट जून होगा। अब रूल नंबर सेकंड। यदि वाक्य में फॉर या सिंस रहे तो उस वाक्य का वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सिंस से हमें पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होता है और फॉर से पीरियड ऑफ टाइम का। जैसे आई एम हियर सिंस 1981, तो इसका आई हैव बीन हियर सिंस 1981 होगा। ही डज नॉट राइट टू यू फॉर ए वीक, तो इसका ही हैज नॉट राइट टू यू फॉर ए वीक होगा। वी स्टडी हियर फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, तो इसका वी हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर द लास्ट 5 ईयर होगा। रूल नंबर थर्ड। एट, नाउ, ऑलरेडी, जस्ट, इनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे I did not at see him, तो इसका I have not at seen him होगा। They just came here, तो इसका they have just come here होगा। रूल नंबर फोर। When, as soon as, if, after, before, until, till, इनके बाद फ्यूचर टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे he will come when he will be ready, तो इसका he will come when he is ready होगा। they will write as soon as they will arrive home, तो इसका they will write as soon as they arrive home होगा। रूल नंबर फाइव। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, सपोज, इफ ओनली, आई विश के बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस का नहीं। जैसे इट्स हाई टाइम डैट यू गो होम, तो इसका इट्स हाई टाइम डैट यू वेंट होम होगा। इफ ओनली ही कैन स्विम, तो इसका इफ ओनली ही कुड स्विम होगा। रूल नंबर सिक्स। जो कार्य नियत दिन, मतलब डेली, होता है उसके साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तो इसका द अर्थ मूव्स राउंड द सन होगा। वी आर प्लेइंग क्रिकेट एवरी डे, तो इसका वी प्ले क्रिकेट एवरी डे होगा। रूल नंबर सेवन। कुछ वर्ब है जिनके साथ आईएनजी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सी, हियर, फील, बिलीव, फॉरगेट, प्रेफर, वांट और रिमेंबर, इनके साथ आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। जैसे आई एम हियरिंग ए लॉट अबाउट इंग्लैंड, तो इसका आई हियर ए लॉट अबाउट इंग्लैंड होगा। रूल नंबर एट। एज, इफ, तथा एज, दोज के साथ पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही स्पीक्स एज इफ ही नोन
द सब्जेक्ट वेल, तो इसका ही स्पीक्स एज इफ ही न्यू द सब्जेक्ट वेल होगा। सी वॉक्स एज थॉट सी इज गोइंग अवे, तो इसका सी वॉक्स एज थॉट सी वर गोइंग अवे होगा। अब रूल नंबर 9, अगर प्रिंसिपल क्लाउज का वर्ब पास्ट टेंस में रहे तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज का वर्ब भी पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। जैसे सी आस्क्ड मी व्हाट आई एम रीडिंग, तो इसका सी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज रीडिंग होगा। सी थॉट दैट सी कैन विन द प्राइज, तो इसका सी थॉट दैट सी कुड विन द प्राइज होगा। दोस्तों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ऐसे ही नए और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे न्यू वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे।